नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। डॉक्टर, खुशखबरी, 8 महीने, ये सब क्या चक्कर है? चक्कर तो हम दोनों की किस्मत ने चलाया। कितने मैसेज भिजवाए, बहुत स्मार्ट समझते अपने आपको। माँ जी को देती हूँ ये खुशखबरी। देखो, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं प्रॉमिस तुम्हें कल आके मिलूंगा, प्लीज। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ तक आई और माँ जी से ना मिलूं? वो क्या सोचेंगे अपने होने वाले बहू के बारे में? क्या सिद्धार्थ, कौन है ये लड़की? माँ वो नमस्ते माँ जी। अब मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, पागल है माँ, आप अपने बेटे से ही पूछ लीजिए ना। खुशखबरी ऐसी है, अगर आप सुनेंगी तो खुशी से फूली नहीं समाएंगी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। बाय गीता। अच्छा हुआ जो चार्ली ने मुझे तुम्हारा पता बता दिया, अब तो मैं हर रोज आऊंगी, समझे? बाय। अरे रोज सिद्धार्थ, कौन थी? माँ वो सेल्स गर्ल थी, माँ वो साबुन वाली, साबुन। अच्छा, तो फिर तू इतना परेशान क्यों है? हाँ? परेशान और मैं? नहीं नहीं माँ, क्या बात कर रही हो तुम? तू माँ से कुछ छुपा रहा है, सच सच बता, ये लड़की कौन थी? अरे माँ, वो राह चलते हुए ऐसे मिल गई मैं, और कुछ नहीं माँ। राह चलते हुए और घर पहुँच गई, नालायक कहीं का, काम नहीं, नौकरी नहीं। बोल, बता, एकता को मेरे घर का पता क्यों दिया? बोल। अरे क्यों मार रहा है यार उसे बेकार में? क्यों मार रहा है यार बेकार में? सुबह सुबह एकता घर पे आ गई थी, माँ और गीता के सामने बहुत ड्रामे किए। माँ जी, मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुप, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है एकता की इस हरकत की वजह से माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अच्छा, तो उसने ऐसी गंदी हरकत की हमारे दोस्त के साथ? हाँ यार, बनाया है जिसने तुमको, देखो उसे कैसे हम बनाते हैं। माँ बनने से पहले भाभी उसे हम बनाते हैं। आंटी जी, आपके साथ होटल में आने का मजा ही कुछ और है, जितना भी खाओ बस खाते जाओ। अरे अरे अरे, एकता ये क्या कर रही हो तुम? नमस्ते जी। नमस्ते। डॉक्टर ने ये सब चीजें खाने से मना किया ना तुमको? क्या हुआ मेरी बेटी को? अरे एकता, तुमने आंटी जी को बताया नहीं? क्या हुआ, क्या क्या बताया नहीं? वही तो आंटी जी, वही जो एकता ने आपको बताना चाहिए था। बाय द वे एकता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें ले आया हूँ। कच्ची कैरी, इमली, तुम्हें खट्टी चीजें खाने का बहुत शौक है ना, मैं सब कुछ ले आया हूँ। बाय द वे एकता, ये महीना कौन सा चल रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा या नौवां महीना चल रहा है? नौवां महीना, ओह माय गॉड। एकता, ये सितंबर महीना ही तो चल रहा है ना बेटा, तो फिर? उफ आंटी जी, आपने तो मुझे डरा दिया था, मैं उस कैलेंडर वाले नवे महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो। नमस्ते, नमस्ते भाभी जी। मुबारक हो सिद्धार्थ साहब, मुबारक हो। भाई अब हम आपसे एक नहीं दो दो पार्टियां लेंगे, क्योंकि अब आप एक नहीं दो दो बच्चों के बाप बनने वाले हैं। आई मीन जुड़वा जुड़वा। और अभी अभी हम डॉक्टर से इनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर इतना। तुम बैठो। देखो तुमने मेरे साथ जो भी किया है। पीस पीस। बाय द वे, कौन थी ये? मेरी अपनी आंटी, जिनका सुने में कोई नहीं है, न पति न बच्चे, इन्होंने ही मेरी परवरिश की है। अच्छा, वेरी बैड। अच्छा आंटी जी, नमस्ते। नॉट अगेन। नमस्ते। I love her. मैं और अंजलि शादी करना चाहते हैं। बेटे, हर बाप को उसकी बेटी प्यारी होती है, मगर अंजलि को मां का भी प्यार मैंने दिया है। अगर वो खुश है तो मुझे कोई इतराज नहीं, मगर मैं ये नहीं चाहता
कि अंजलि के साथ भी वही हो जो धर्माधिकारी के। इस मामले में मेरे पापा को बीच में मत लाइए। आई एम सॉरी गौतम, तुम्हारी शादी की बात हो रही है तो तुम्हारे पापा के जिक्र तो आएगा ही ना। कृष्णकांत जी आए नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे। देखो बेटे, हम लोग लड़के वाले हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता हमसे पहले लड़की के पिता के यहाँ होना जरूरी था? अरे भाई, एक बेटी के सगाई से ज्यादा जरूरी काम एक बाप के लिए और क्या हो सकता है? अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, मैं आपके लिए ठंडा लेके आता हूँ। माँ, अब तो आपको पता चल गया ना कि पापा हम सबको कितना मानते हैं। देख, ये गुस्सा करने का समय नहीं है, वो जरूर आ जाएंगे। तू बाहर जाकर उन लोगों को संभाल। मैं उन्हें कब तक संभालू माँ? मैं जानता हूँ पापा जानबूझकर नहीं आ रहे, आखिर मैं उन लोगों को क्या कहूँ? भैया, वैसे भी मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। तू चुप कर। देख, गुस्सा मत कर, जा बाहर जा तू। तुम्हें भी शादी करने के लिए यही मर्द मिला था? बहुत हो चुका, अब चले। अरे मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। देखो बेटे, हम लोग उनमें से हैं जो अच्छे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, भले वो खानदान पहली बीवी से हो या फिर दूसरी से। खानदान उसे कहते हैं जिसका कोई जन्मदाता होता है। एक बीवी और रखेल में फर्क होता है बेटे। सिद्धार्थ, मेरा गिरेबान पकड़ने से कोई फायदा नहीं। अपने बाप से जाकर पूछो उसने तुम्हारी माँ के गले में मंगलसूत्र पहनाया था या सिर्फ दिल बहलाने के लिए। मेरी बात तो सुनो, आज तक वही तो करता आया हूं लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आपने उन लोगों को गीता के रिश्ते के लिए बुलाया था ना, और उन्हीं लोगों ने मेरी मां का रिश्ता एक बाजारू औरत से जोड़ दिया। आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलकर उन लोगों को यह बताना होगा कि आपका और मेरी मां का क्या रिश्ता है। सिद्धार्थ, तुम्हारी दादी मां आपको मेरे साथ नहीं आने देंगी, यही कहना चाहते हैं ना आप? लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, दादी मां की भी नहीं, क्योंकि आज उनकी और उनके खानदान की इज्जत का नहीं बल्कि मेरी मां की इज्जत का सवाल है। बेटे हटे, समझाना मत मुझे। दादी माँ, मैं आपके बेटे को अपने साथ लिए जा रहा हूं और आज आप उन्हें नहीं रोक सकती। आज तक आप बोलती रही और मैं सुनता रहा, लेकिन आज आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं। Oh.
अबे सीधे बैठना यार, क्यों हवाई जहाज की तरह टेक ऑफ कर रहा है? टेक ऑफ नहीं कर रहा हूँ, वो दो दिन से हवा खा खा के और पानी पी पी के पेट में गैस भर गई है, वो निकाल रहा हूँ। संभाल नहीं तो कोई बाजू में सिगरेट जलाएगा तो भाड़ से फटेगा, सब मेरे ऊपर उड़ा देगा। तो एक काम करना, कोई गैस कंपनी में चला जाना, तेरे इधर से गैस निकलेगी तो खाने को कुछ पैसा तो मिलेगा। अरे गैस से मेरी आत्मा निकल रही है, बोले गैस कंपनी में चला जा, क्या आदमी है। एक और आइडिया है, तू मर जा ना। क्या दोस्त है, बोलता मर जा। अरे इसके आवाज से परसों नहीं मरा था क्या? अच्छा वो वाला है? हाँ तो मरने से क्या हुआ, 3 रुपए मिले सब समझते हैं। मेरी पब्लिक बहुत सहनी हो गई है, और 3 रुपए में एक प्लेट भजिया भी नहीं आता है। एक काम कर तू, दूसरा आइडिया मेरे पास। अरे क्या करता, सोचने देता कि नहीं? दूसरा आइडिया, तू आज मर मत। मेरे नौजवानों, मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, इसको देखो, ये जो आपके सामने अपाहिज, लंगड़ा, लूला, मजबूर बैठा है, ये भिखारी नहीं है, ये सिपाही है, ये हवलदार वफादार है। ये जब अपने घर से निकलता था वर्दी पहनकर, तो चोर अपने घर में घुस जाते थे, डाकू दुम दबाकर भाग जाते थे, और स्मगलर अपने बिल में घुस जाते थे। लेकिन एक दिन उन सब लोगों ने मिलकर इसको इतना मारा कि इसकी हड्डियां केले के गूदे की तरह नरम होकर रह गई। तो आज ये अपने गांव वापस जाना चाहता है, अपनी माँ के पास। लेकिन अफसोस, इसकी माँ देश की आखिरी कोने में रहती है, जहां न ट्रेन जाती है, न बस जाती है, न लॉरी जाती है, न कोई सड़क जाती है। और अगर मैं इसको बैलगाड़ी में बिठा कर लेके जाऊंगा तो ये 4 जन्म के बाद उधर पहुंचेगा। तो फिर इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है भाई, अगर ये हवा में उड़ के वहां पहुंच जाए। अच्छा अच्छा, हवाई जहाज से जाना है। हाँ जाहिर बात है भाई, लेकिन ये गरीब पुलिस वाला जो सारी जिंदगी बिना टिकट के बस में लटक के जाता था, कभी ऑटो रिक्शा में बैठने की जिसकी ताकत नहीं थी, वो हवाई जहाज में कहां से जा सकता है। लेकिन हाँ, आप लोग अगर मेहरबानी करें तो ये अपनी माँ के पास जा सकता है। ला भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे बाल बच्चों को सुखी रखे। ला ला, गरीब की झोली भरते जा भाई। इधर भी अबे ठहरना यार, अबे ठहरता कि नहीं? अबे चुप करना। देते जा भाई, ला भाई, मेहरबानी। उधर पीछे कोई है? अरे ये तो ठीक है यार, पब्लिक को बेवकूफ बनाता है, मारो साले को। एक सुंदर लड़की को रात में अकेले खाली डिब्बे में सफर करना नहीं चाहिए। अकेली लड़की देखकर खाली डिब्बे में कोई भी अंदर आ सकता है, पास बैठ सकता है, कहीं भी हाथ लगा सकता है, अपने बाप धर्माधिकारी को जाके समझा दे, चौधरी कमीशन की रिपोर्ट सोच समझ कर दे, वरना एक दिन वो घर से निकलेगा सही सलामत, लेकिन पहुंचेगा टुकड़े टुकड़े होकर। क्या बोला बे तू? हाँ क्या बोला?
किसको काटेगा? किसको काटेगा तू? हाथ लगाएगा? किसकी टांग तोड़ेगा? हाथ लगाएगा? लगा हाथ, लगा हाथ। गौतम, लगा हाथ साले। हाथ लगाने की बात तो दूर, अगर आंख उठा के भी देखा तो तेरी दोनों आंखें निकाल दूंगा। चल बैठ। अबे जॉब। आइए ना। अच्छा चलो। भैया। गौतम भैया नहीं होगा। इस नीचता पे उतर आया तू? पापा का जरा भी ख्याल नहीं तुझे? काश तू मेरे कोख से पैदा ही नहीं हुआ होता। चल